बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एन टेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश का जो पेपर हो चुका है, उसी पेपर का पार्ट नंबर 1 अपलोड कर लेते हैं। ये पेपर आज यानी 4 जून 2023 को हो चुका है, तो चलिए शुरू करते हैं पेपर को। देखिए दोस्तों, ये पेपर था, इंग्लिश का पेपर था, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बीपीएस 17 मेल और फीमेल दोनों के लिए, 4 जून, और 1 घंटा टाइम था 10 से 11 बजे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, दिस नाइबरहुड लुक्स अ लिटल रन डाउन एंड टेटी दीज डे, रंजीदा नजर आ रहा है आजकल, रन डाउन, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखे, आई एम अफ्रेड माई यंगेस्ट सन हैज नेवर बीन पर्टिकुलरली क्विक ऑन द अपटेक, ऑप्शन डी लगता है इसमें। और क्वेश्चन नंबर 3 देखे, 3 नंबर क्वेश्चन को, दिस आफ्टरनून वी आर टू पिन पॉइंट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेट एंड फिलॉसफी, लिटरेचर एंड फिलॉसफी, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। 4 नंबर क्वेश्चन देखे, इन कंबेटर एंड फेंट, तो ये एनालॉजी है, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है, ग्रीन हाउस प्लांट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखे, सार्टोरियल टेलर चूज द करेक्ट एनालॉजी, तो इसमें करेक्ट एनालॉजी ऑप्शन डी है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, एंटोनिम ऑफ ट्रीपिडेशन इज, ट्रीपिडेशन के मानी है डर, होप, तो इसका एंटोनिम ढूंढना है, फियरलेसनेस, बेखौफ, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। 7 नंबर क्वेश्चन, एंटोनिम्स ऑफ बायोस्टीरियस, और इसके मानी है हेल्टरबाज, ओदमबाज, जो पजुल शोर मचाता हो, नाइज, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नाइजी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, सिनोनिम प्लेंटियो, ये गमजन को कहते हैं, गमगीन, तो मॉर्नफुल इसका सिनोनिम, ऑप्शन ए है। और क्वेश्चन नंबर 9 देखे, माय आंट लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ एन ओल्ड हाउस ऑन द रिवर टेम्स, ऑप्शन ए लगता है इसमें। माय आंट लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ एन ओल्ड हाउस ऑन द रिवर टेम, ऑप्शन ए करेक्ट है। 10 नंबर क्वेश्चन देखे, आई वॉन्टेड अ बुक बाय ऑस्कर वाइल्ड, बाय लगेगा इसमें, एंड ऑस्क द लाइब्रेरियन टू शो मी, यहां पर कुछ नहीं लगता, सम ऑफ यहां पर ऑफ लगेगा हिज बुक, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11, खाली जगह है इज अ टर्म इंट्रोड्यूस बाय नोम चॉम्स्की टू डिस्क्राइब द एक्चुअल यूज ऑफ लैंग्वेज इन कंक्रीट सिचुएशंस,
तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए है, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस ऑप्शन ए। बारह नंबर क्वेश्चन है, द टर्म यूज्ड फॉर द नॉन लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट ऑफ स्पीकिंग इज, इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, पैरालैंग्वेज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, द हिस्टोरिकल अप्रोच ऑफ लैंग्वेज स्टडी विच इन्वेस्टिगेट द चेंजेस इन लैंग्वेज थ्रू टाइम इज सेट टू बी, इज सेट टू बी डायनामिक ऑप्शन डी, डायनामिक नहीं सॉरी डायक्रॉनिक ऑप्शन सी लगेगा इसमें, ऑप्शन सी नॉट डी नहीं, ऑप्शन सी है करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 14 देखें, द सिलेबल्स इन विच द कॉन्सोनेंट्स फंक्शन एज न्यूक्लियस आर कॉल्ड व्हाट, दे आर कॉल्ड सिलेबिक कॉन्सोनेंट्स ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन को, द प्रीसीडिंग साउंड इन्फ्लुएंसिंग द फॉलोइंग साउंड इज एन इंस्टेंस ऑफ एसिमिलेशन, द प्रीसीडिंग साउंड इन्फ्लुएंसिंग द फॉलोइंग साउंड, तो दिस इज एन इंस्टेंस ऑफ प्रोग्रेसियो एसिमिलेशन ऑप्शन ए। 16 नंबर देखिए, खाली जगह है, इज अ प्रोसेस ऑफ वर्ल्ड फॉर्मेशन बाय विच न्यू वर्ल्ड्स आर फॉर्म्ड बाय अटैचिंग प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस टू द बेस फॉर्म, डिराइवेशन ऑप्शन सी, डिराइवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ वर्ल्ड। क्वेश्चन 17 देखिए, खाली जगह है, आर ग्लिडिंग साउंड एंड ड्यूरिंग दियर आर्टिकुलेशन द स्पीच ऑर्गन ग्लिड फ्रॉम वन वावल पोजिशन टू एनदर सीमी वावल्स, ऑप्शन सी करेक्ट है। आखिरी क्वेश्चन देखिए आज की वीडियो का, हु इंट्रोड्यूस्ड इन लिंग्विस्टिक द कॉन्सेप्ट सिमिलर टू साउसरस लॉग एंड पेरोल, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन डी, नोम चॉम्स के। तो ये तो दोस्तों इस पेपर का पार्ट नंबर 1, लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।